हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अंजना श्रीवास्तव टुडे आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज टू बी एंड टोडे टॉपिक इज टेस्ट ऑफ़ द डिविजिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट नंबर्स बाय द डिफरेंट नंबर्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी का टेस्ट है अलग अलग नंबर्स के थ्रू सो लेट्स द टॉपिक देर आर सम रूल्स फॉर द टेस्ट ऑफ़ द डिविजिबिलिटी जब भी हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं चलेट स्टार्ट रीड क्वेश्चन नंबर वन टेस्ट द डिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई टू आपको नीचे दो नंबर दिए गए हैं और इनकी डिजिबिलिटी टेस्ट करनी है किसके थ्रू बाई टू दो जो आपका टू है आपको यह बताना है कि यह दोनों नंबर टू से डिवाइजबल हैं या नहीं है वैसे तो आप क्या करते हैं कि आप डिवीज़न वाला मेथड लगाएंगे इसको टू से डिवाइड करके देखेंगे फिर इसको टू से डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम टेस्ट करते हैं तो अभी हमें जो है रूल के थ्रू टेस्ट करना है उसमें फिर हम डिवीज़न नहीं अप्लाई कर सकते तो रूल क्या है टू के लिए जो रूल है वी हैव टू फोकस ऑन द यूनिट डिजिट हमें यूनिट डिजिट पर फोकस करना है और अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का ईवन है यानी कि टू से डिवाइजिबल है तो वह पूरा का पूरा नंबर टू से डिवाइजिबल होगा यहाँ पर देखिए आपका जो यूनिट डिजिट है इस नंबर का ये फोर है क्या फोर टू से डिवाइड होता है येस yes. तो ये पूरा का पूरा नंबर टू से डिवाइजिबल होगा यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है फाइव तो क्या फाइव टू से डिवाइड होता है नो no. फाइव टू से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर टू से डिवाइजल नहीं होगा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे लाइक दिस देखिए फोर है फोर टू से डिवाइड हो जाता है हम क्या लिखेंगे हेयर द वंस डिजिट इज फोर इस नंबर में जो वंस डिजिट है वो क्या है फोर है विच इज डिवाइजल बाई टू क्योंकि फोर जो है वो टू से डिवाइड हो जाता है तो विच इज डिवाइजिबल बाई टू तो ये नंबर पूरा डिवाइड होगा सो द नंबर जो आपको नंबर दिया गया इज डिवाइजिबल बाई टू नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइव है जो टू से डिवाइड नहीं होती है तो क्या लिखेंगे हेयर द वंस डिजिट इज फाइव जो वंस डिजिट है वो क्या है फाइव है विच इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई टू फाइव टू से डिवाइड नहीं होता है तो विच इज नॉट डिवाइजिबल बाई टू अब अगर ये डिवाइड नहीं होगी तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा सो द नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाई टू इसको वंस डिजिट भी कहते हैं और यूनिट डिजिट भी कहते हैं ये जो लास्ट डिजिट होती है सो वंस डिजिट भी कहते हैं और यूनिट डिजिट भी कहते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट रीड क्वेश्चन नंबर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय थ्री दो नंबर फिर से दिए गए हैं और पूछा गया कि थ्री के थ्रू डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है कि क्या ये नंबर थ्री से डिवाइड होंगे या नहीं याद रहे हमें डिवीजन का मेथड अप्लाई नहीं करना है थ्री से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसके लिए अलग रूल है जब भी आप थ्री से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो जितने भी नंबर्स दिए होते हैं उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उनका सम उनकी डिजिट्स को ऐड करते हैं लाइक फर्स्ट नंबर देखिए इसकी आप डिजिट्स को ऐड करेंगे अगर वो एडिशन अगर जो टोटल सम आएगा अगर वो थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा अगर वो जो एडिशन है वो थ्री से डिवाइड नहीं होगा तो नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा लाइक दिस देखिए नंबर है एट सेवन टू सिक्स फोर फाइव और हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे थ्री से तो पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स डिजिट्स ये हैं एट सेवन टू सिक्स फोर फाइव ये सब डिजिट है और ये पूरा मिला के एक नंबर हो रहा है तो समिजिट्स देखिए एट प्लस सेवन प्लस टू प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस फाइव इन सबको जब हमने ऐड किया तो कितना आया थर्टी टू विच इज़ नॉट डिवाइजिबल बाई थ्री अब ये जो थर्टी टू है क्या थर्टी टू थ्री से डिवाइड होता है नो no. थर्टी टू थ्री से डिवाइड नहीं होता है तो ये जो नंबर है ये भी थ्री से डिवाइड नहीं हुआ था थर्टी टू था तो ये लिखा विच इज नॉट डिवाइजिबल बाई थ्री सो द नंबर ये नंबर है इज नॉट डिवाइजिबल बाई थ्री नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में जो है डिजिट सम डिजिट्स हमने डिजिट्स का सम निकालना फाइव प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन प्लस एट प्लस वन जितनी डिजिट होंगी सबको ऐड करेंगे इनका एडिशन कितना आया ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन थ्री से डिवाइड हो जाता है तो ट्वेंटी सेवन विच इज डिवाइजिबल बाई थ्री ये जो हम विच इज यूज़ कर रहे हैं ये इस टोटल के लिए यूज़ कर रहे हैं ट्वेंटी सेवन जो है वो थ्री से डिवाइड हो रहा है तो लिखा है विच इज डिवाइजिबल बाई थ्री क्योंकि ये थ्री से डिवाइड हो जा रहा है तो नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे सो द नंबर आपको नंबर दिया था फाइव टू फोर सेवन एट वन इज डिबल बाई थ्री क्योंकि इनका सम जो था वो थ्री से डिवाइड हो रहा था अगर उस नंबर की डिजिट्स का सम थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा रीड क्वेश्चन नंबर थ्री टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फोर अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है किसके थ्रू बाय फोर के थ्रू तो फोर में होता है तो इसके फोर के लिए क्या रूल है जो रूल टू के लिए है वही रूल फोर के लिए भी है थोड़ा सा डिफरेंट है जब हम टू को देखते हैं तो हम यूनिट डिजिट देखते हैं जब हम फोर में डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम लास्ट की टू डिजिट्स देखेंगे अगर लास्ट की टू डिजिट यहाँ पे लास्ट की टू डिजिट क्या है ट्वेंटी ए और यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है ये अगर लास्ट की टू डिजिट फोर से डिवाइजबल होती हैं तो पूरा नंबर फोर से डिवाइजबल होता है अब यहाँ पे देखिए लास्ट की टू डिजिट्स क्या है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर फोर की टेबल में आता है यानी कि फोर से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स तो फोर की टेबल में नहीं आता है तो ये डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड नहीं होगा लाइक दिस यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो लैंग्वेज क्या होगी कि द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड द वंस डिजिट ये टेंस वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है तो और इन दोनों के थ्रू जो नंबर बनेगा इन दोनों को मिला के वो क्या बन रहा है ट्वेंटी फोर तो द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस डिजिट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फोर से डिवाइड है तो विच इज डिवाइजेबल बाई फोर क्योंकि ये फोर से डिवाइड है सो द नंबर इज डिजिबल बाई फोर ऐसे ही नीचे देखिए ये जो है आपका नाइन फोर सिक्स वन टू सिक्स तो ये जो नंबर है हियर द नंबर फॉर्म्ड टेंस एंड वंस डिजिट टेंस और वंस डिजिट मिला के जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो क्या है ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स जो है वो फोर से डिवाइड नहीं होगा तो हियर द नंबर टेंस एंड डिजिट इज इज नॉट जब नंबर ये नहीं डिवाइड होगा तो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा सो द नंबर इज नॉट डिबिल बाई फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई फाइव फाइव से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं उसके लिए क्या रूल है यहाँ पे जो है वो रूल टू की तरह है जो हमारा टू का रूल है उसी की तरह है यहाँ पर भी आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है बट कंडीशन ये है कि ये जो यूनिट डिजिट है वो या तो जीरो होनी चाहिए या फाइव होनी चाहिए अगर जीरो है तब भी नंबर टू से डि सॉरी फाइव से डिवाइजिबल होगा और अगर फाइव है तब भी नंबर फाइव से डिवाइजिबल होगा यहाँ पर देखिए जो यूनिट डिजिट है वो एट है एट है ना तो जीरो है ना ही फाइव है तो ये नंबर फाइव से डिवाइजिबल नहीं है इसमें देखिए जो यूनिट डिजिट है वो जीरो है अब जीरो है तो ये नंबर फाइव से डिवाइजिबल है तो जो फाइव का रूल है उसका क्या है कि आपको यूनिट डिजिट देखना है यूनिट डिजिट या तो जीरो होनी चाहिए या फाइव होनी चाहिए अगर जीरो है तब भी नंबर फाइव से डिवाइड होगा और अगर फाइव है तब भी नंबर फाइव से डिवाइड हो जाएगा लाइक like दिस ये नंबर दिया था हमें यहाँ पर जो वंस डिजिट है वो एट है तो हेयर द वंस डिजिट इज नॉट जीरो और फाइव जो वंस डिजिट है वो ना तो जीरो है ना ही फाइव है सो द नंबर इज नॉट डिजिबल बाई फाइव नेक्स्ट देखिए यहां पर जो वंस डिजिट है वो जीरो है हेयर द वंस डिजिट इज जीरो क्योंकि वंस डिजिट जीरो है सो द नंबर इज डिवाइजल बाय फाइव वंस डिजिट या तो जीरो होनी चाहिए या फाइव होनी चाहिए तभी फाइव से डिवाइजिबल होगा लीड क्वेश्चन नंबर फाइव टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सिक्स आपको दो नंबर्स दिए हैं और इन दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है किस नंबर के थ्रू सिक्स के थ्रू सिक्स से जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो इसके लिए वो दोनों रूल अप्लाई होते हैं जो आप टू में अप्लाई कर चुके हैं और थ्री में अप्लाई कर चुके हैं अगर नंबर टू से भी डिवाइजिबल होगा और थ्री से भी डिवाइजिबल लगा दोनों से डिवाइजिबल होगा तभी वो नंबर सिक्स से डिवाइजिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा तो टू वाला रूल पहले इसमें लगा के देखिए लास्ट डिजिट ज़ीरो है यानी कि ईवन है तो ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा इसमें देखिए टू लगा के रूल लास्ट डिजिट सिक्स है टू से डिवाइजिबल है तो ये नंबर दोनों टू से डिवाइजल हैं। अब थ्री वाला रूल लगा के देखिए क्या इन दोनों का सम क्या आएगा टू प्लस जीरो प्लस सेवन प्लस जीरो सेवन और टू नाइन नाइन थ्री से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर थ्री से डिवाइड भी हो रहा है टू से भी हो रहा है थ्री से भी हो रहा है तो इसका मतलब ये सिक्स से भी डिवाइड होगा इसमें लगा के देखिए एट प्लस सेवन प्लस टू प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस सिक्स तो कितना आएगा एट सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री हो गया आपका ट्वेंटी थ्री थ्री ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स और सिक्स थर्टी वन क्या थर्टी वन थ्री से डिवाइड होता है नो थर्टी वन थ्री से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर टू से तो डिवाइजिबल है बट थ्री से डिवाइजिबल नहीं है और हमें क्या करना है दोनों से डिवाइड होना चाहिए जो दोनों से डिवाइड होगा वही सिक्स से डिवाइड होगा आप इसको करेंगे कैसे पहले आप टू की डिविजिबिलिटी दिखेंगे हियर डिजिट इज जीरो टू का लगा रहे हैं हम विच इज इवन सो द नंबर इज डिवाइजिबल बाई टू इसके बाद आप थ्री की डिविजिबिलिटी लगाएंगे द सम ऑफ द डिजिट इनका आप सम करके दिखाएंगे नाइन आ रहा है विच इज डिवाइजेबल बाय थ्री सो द नंबर इज डिजेबल बाय थ्री ये हमने टू की लगा दी या थ्री की लगा दी दोनों से डिवाइजिबल है जब दोनों से डिवाइजेबल है दियर फोर द नंबर टू जीरो सेवन जीरो इज डिजेबल बाय सिक्स सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपने पहले टू की डिविजिबिलिटी लगाई हियर द वंस डिजिट इज सिक्स विच इज डिजिबल बाई टू सो द नंबर इज डिवाइजेबल बाय टू टू तो सेटिस्फाइड कर रहा है थ्री वाला देखिए एंड सम ऑफ द डिजिट्स डिजिट्स का सम आ रहा है थर्टी वन विच इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय थ्री ये थ्री से डिवाइड नहीं हो रहा है सो द नंबर इज नॉट डिवाइजबल बाय थ्री टू से तो डिवाइड हुआ बट थ्री से नहीं हुआ तो यहाँ लैंग्वेज क्या आएगी हेयर द नंबर इज डिवाइजिबल बाई टू बट नॉट डिवाइजिबल बाई थ्री दियर फोर द नंबर इज नॉट डिवाइजिबल बाई सिक्स इसलिए यह नंबर सिक्स से डिवाइजिबल नहीं होगा अगर सिक्स से डिविजिबलिटी चेक करनी है तो टू और थ्री दोनों अप्लाई होंगी उसमें और दोनों से वो डिवाइजिबल होना चाहिए तभी वो सिक्स डिवेजिबिल